हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने ये गत्ते की कटिंग ली है, इसको मैंने इस तरह से कट कर दिए हैं। ये वायर है, ये टूथपिक के टुकड़े हैं, और ये मेरे पास एक वेस्ट टायर रखा था, वो मैंने ले लिया है। इसमें मैं वायर को लपेट दूंगी। ये देखिए, इस गत्ते में मैंने दो छेद किए हैं बीच में, और इसमें इस वायर को इंसर्ट कर दिया है। अब दूसरे दोनों कॉर्नर पर मैंने ये टूथपिक लगाई है। अब ये सूख चुकी है। अब मैं जो ये कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं, इन्हें यहाँ पर ऊपर की तरफ पेस्ट कर दूँगी। तिरछे टुकड़ों को मैं यहाँ साइड में लगाऊंगी। ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैंने कटिंग कर दी है, और आगे की तरफ भी एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा पेस्ट कर दिया। अब हम इसे सूखने देंगे। ये देखिए, पीछे की तरफ भी मैंने दो छेद किए हैं, और यहाँ भी मैं दो टूथपिक लगा दूंगी। ये देखिए, अब ये सूख चुका है। अब मैंने कलर लिया है, मैं फैब्रिक कलर यूज़ किया है, आप चाहो तो वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, अब ये कलर गीला ही है, इसके ऊपर मैंने डस्ट लगा दी है टूथपिक की हेल्प से। अब हम इसे सूखने देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। तो आपको मेरा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र बनाने का तरीका कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी